बाकी पूछता हूं मैं एक सवाल, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग टॉपर बनते हैं, बोलते हैं कि हमने दूसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, तीसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, पांचवें अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, ठीक है, अच्छी बात है, पांचवें अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया। अब इस क्वालिफिकेशन को जो पांचवें अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया उस बंदे ने, आप किस तरह देखते हो? क्या अचानक से पांचवा अटेम्प्ट आया और वो सफल हो गया, और जो शुरू के चार जो अटेम्प्ट थे उसमें जो उसने मेहनत की थी उसका कोई मोल नहीं है और सीधे पांचवें ही अटेम्प्ट का मोल है, समझिएगा, ठीक है, कि क्या एक दो तीन चार, ये एक दो तीन चार अटेम्प्ट दिए जिसके अंदर वो असफल रहा लेकिन पांचवें अटेम्प्ट में वो हुआ, ठीक है, यहां पर इसको और ले लेता हूं, तो ये जो चार अटेम्प्ट लिए और पांचवें अटेम्प्ट में सफल हुआ, या तो चार अटेम्प्ट का कोई मोल नहीं है, क्या आपको ऐसा लगता है कि अचानक से पांचवा अटेम्प्ट आया और ऊपर से भगवान ने उसके दिमाग में कुछ डाल दिया और वो क्वालिफाई कर गया? ऐसा नहीं है, पांचवा अटेम्प्ट आया ही इसलिए है कि वो चार अटेम्प्ट में उसने कॉन्शियसली मेहनत की थी, कॉन्शियसली असफलता प्राप्त की थी, दिमाग खोल के वो असफल हुआ था। कॉन्शियसली असफल होने पर वो हर बार कुछ ना कुछ सीखता चला गया, और सुधार करते 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 एक एवरेज स्टूडेंट, बिल्कुल नॉर्मल सा स्टूडेंट, वो एक दिन एसडीएम बन जाता है, पीसीएस बन जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि यार ये कल तक तो ये तो इससे कुछ आता नहीं था, वो तो आप कई बार जानते हो, कुछ लोग आपके पीसीएस बन जाते हैं, अरे ये तो हम जानते थे, ये तो स्कूल में उसके नंबर मुझसे कम आते थे, अरे ये तो ज्यादा पढ़ता भी नहीं था, ये आज कैसे पीसीएस बन गया? भाई साहब, जब कॉन्शियसली मेहनत करता चला गया बंदा, हर बार हर अटेम्प्ट में वो धीरे धीरे सुधार करता चला गया, तो एक वक्त ऐसा आया कि इसने थ्रेशहोल्ड जो है वो क्रैक कर दिया, ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया इसने। बस मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, भगवान करे आपको सफलता मिल जाए, लेकिन आपको लगता है कि तैयारी थोड़ी सी कम है, नहीं हो पा रही है, तो भी आप ईमानदारी से अटेम्प्ट दीजिए और कॉन्शियसली एग्जाम को ट्राई कीजिए कि अगर असफलता मिले तो भी उससे कुछ सीख पाओ, सुधार कर पाओ और अगले अटेम्प्ट के लिए अपने आप को तैयार कर पाओ। सफलता असफलता दो अलग चीजें नहीं हैं। असफलता के अंदर सफलता है और सफलता के अंदर असफलता है। जैसे दिन और रात, रात क्या है? रात कम दिन है, कम दिन होता है तो रात होती है, और दिन क्या है? जब कम रात होगी तो वो दिन हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि दिन और रात दो अलग एंटिटी नहीं है। रात और दिन दो अलग एंटिटी नहीं है, बस डिग्री का फर्क है, जब आप डे टाइम होता है, यहां समझिए कि डे टाइम पर जो डे होगा वो 100% डिग्री होगी और नाइट जो होगी वो 0 डिग्री होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये रेशो बढ़ होता रहेगा, इस तरह होता रहेगा, और जब यहां पहुंचेगा तो नाइट जो है वो है आपका 100 डिग्री और डे जो है वो सिर्फ डिग्री का फर्क है। दिन में ही रात है और रात में ही दिन है। एक बात बोली जाती है कि सबसे काली रात कब होती है? जब सबसे काली रात होती है ना, उसके बाद ही सूरज दिन चढ़ना शुरू होता है। ये कई बार सुना होगा, जब सबसे काली होती है, ठीक है, उसके बाद से ही जो है वो दिन आना शुरू होता है। तो जब सबसे ज्यादा रात काली होती है उसके बाद से ही जो सुधार होगा तो दिन आना शुरू होगा। रात और दिन अलग अलग चीजें नहीं है, ये ब्रह्मांड यूनिटी में काम नहीं करता, ये दो पैर, पुरुष और महिला, पुरुष सफलता असफलता, रात और दिन, अच्छा बुरा, भगवान शैतान, सब के सब एक ना कंबाइन इसमें चल रहे हैं। बस डिग्री का फर्क है, डिग्री का ही फर्क है। तो आप अगर सफल हो रहे हो तो उसमें असफलता का भी योगदान है, और अगर आप असफल हो रहे हो तो सफलता का भी योगदान है इसका। तो प्लीज, जो आप, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका अटेम्प्ट आएगा जब आप क्वालिफाई कर जाओगे
वो तब तक नहीं आएगा जब तक असफलता का आप कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करोगे, उसमें से कुछ सीखने की कोशिश नहीं करोगे। असफल हो जाओ, असफल होना कोई गलत काम नहीं है, बट उसमें से क्या सीखा, क्या सीख पाए, ये जानना बहुत जरूरी है। अब जो होना था वो हो गया, ज्यादा दिन बचे नहीं है, बट जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं ना कि पेपर देने जाएं या नहीं देने नहीं जाएं, तो बस मैं कहूंगा कि अभी भी जितना समय बचा है उसमें आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें, थोड़ा सा तो ऐसा चीज ले लें कि अगर असफल हो भी जाएं तो जब 24 की तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस रहेगा तो सुधार करने की गुंजाइश बन जाएगी। तो दोस्तों, दिल छोटा नहीं करना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, जितना समय है उस मोमेंट में रहिए, उस क्षण में रहिए, ईमानदारी से पेपर दीजिए। बेस्ट यह रहेगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भी होता है तो अगर आप असफल भी हो रहे हो तो ऐसे मेहनत होनी चाहिए कि उसमें से कुछ सीखने को मिल जाए। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।